हेलो एंड वेलकम, कैसे हो? आज की जो वीडियो होने वाली है फोर्थ एनिवर्सरी मोड है उसका यहाँ पे पार्ट टू है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा एंशियंट टेंपल, उसके साथ जो फ्रॉस्ट फेस्टिवल मोड है वो, जो कि आपको फोर्थ एनिवर्सरी मोड में देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे कुछ एक सीक्रेट स्टेशन बिल्डिंग है एंड यहाँ पे कुछ अदर थिंग्स भी हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो वीडियो को फुल जरूर से वॉच करना एंड इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। काफ़ी रीच डाउन है चैनल का, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर ये जो मोड है आपको लिविक मैप में भी देखने को मिल जाता है, तो लिविक मैप में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपको एंशियंट टेंपल है ये देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ हमारा जो फ्रोजन मोड है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि ये फ्लाइंग पी हुआ है, ठीक है। एंड ये स्मॉल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि फेरो वाली एंड यहाँ पे फ्रोजन वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेंगल का मोड मैं बताने वाला हूँ, जिसमें जो एंशियंट टेंपल है ये फ्रोजन मोड देखने को मिलता है। तो गाइस ये जो आपको दो निम्बस आइजन देखने को मिल जाएंगे एंड अगर रिफीट हो जाते होता तो आप नीचे रिस्पॉन हो सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कह सकते हो कलर चेंज यहाँ पे जो है देखने को मिलती है, जगह जहाँ से आप जो हेड का कलर एंड आउटफिट चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप हेड पे शूट करोगे तो बंदा जो है ऊपर फ्लाई करने लग जाता, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। एंड गाइस ये जो आपको बॉल्स देखने को मिलती है ना, ये जो बिल्डिंग पे अगर आप यहाँ पे इसको करते हो थ्रो तो कलर चेंज हो जाता, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जो सिस्टम इन्होंने किया है। एंड यहाँ पे अगर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको वेस्ट विजन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे पूरा स्क्रीन ऊपर चला जाता है एंड पूरा आप स्पॉन आइलैंड का जो व्यू ले पाओगे, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं हम वेस्ट विजन पे एंड आप पूरा देख सकते हो, ये जो है चार कैरेक्टर्स देखने को मिल जाता है एंड बीच में आपका लिखा हुआ है #1 एंड नीचे पूरे आप प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो है हमारा जो है एंशियंट टेंपल देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ फ्रोजन जो आइलैंड है वो देखने को मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एंशियंट टेंपल पे, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के बाद जो है डिसअपीयर हो जाता है, जैसे हमारा होता था मिरर वर्ल्ड में। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक अलग तरीके की आउटफिट एंड यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिकली एक गन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे को ये आउटफिट मिली है, ठीक है, देख सकते हो ये कलर की। एंड यहाँ पे आप UMP 45 देखोगे तो ऑलरेडी मेरे को मिल चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे ही मैं इस बंदे को डैमेज दिया, मतलब पूरा ये डैमेज हो चुका है, उसके बाद ये हवा में उड़ने लग जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जो है फिनिश करना होगा, जब भी आपको जो किल मिलेगा, नहीं तो कोई बंदा भी ले सकता है। जैसे कि देख सकते हो काफ़ी बंदे उड़ते जा रहे हैं, मतलब देखो आपका ये जो हेड देखने को मिल रहा है, जैसे कोई डैमेज देगा तो ये आपका इसमें हवा भरने लग जाएगी, मतलब ये बड़ा होता जाएगा, उसके हिसाब से आप जो है ऊपर हवा में चलोगे, उसके बाद आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला, ठीक है। एंड इधर आपको कॉइन्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कॉइन से आप जो ऑर्डर कर सकते हो नीचे जाने के बाद, देख सकते हो आपको जो है फ्लोरा वाली शॉप भी देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये आपको जो है कलर चेंजिंग जगह देखने को मिल जाएगी। अब ये कलर चेंजिंग का कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो हेड का, इसका मतलब है, ठीक है। कलर चेंज से कुछ ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे, बट यहाँ पे अगर आप डैमेज दे तो किसी का डैमेज ले तो यहाँ पे आप हवा में उड़ने लग जाओगे, ठीक है। ये थोड़ा एक अलग सिस्टम किया है एंड यहाँ पे आप पूरा देख ही सकते हो, एंशियंट टेंपल देखने को मिल जाता है पूरा पुराना जैसा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 5 जगह देखने को मिलेंगी ऐसे ही। एंड ये कॉइन्स भी आपको मिल जाते हैं एंड अगर आप लगातार 3 ले लेते कॉइन तो यहाँ पे आपको एक बोनस कॉइन भी मिल जाता है। तो वह यहाँ पे मैं आपको जो अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे फेरो को भी देखने को मिल जाएगा आपको इधर। एंड यहाँ पे अब आपको कोई गेम तो देखने को नहीं मिलता पहले जैसा, बट यहाँ पे पूरा रीयूनियन किया गया वैसे बाय द वे, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, वही सेम चीज़ें इधर। एंड इसको एनिमी को देखना, जैसे मैं पूरा डैमेज देता हूँ ना, देख तो डैमेज भी शो करता है एंड इसका हेड देख सकते हो पूरा जो है बड़ा हो चुका है एंड ये देख सकते हो इसके हाथ में कंट्रोल कुछ नहीं है, ठीक है, ये बस उड़ता रहेगा। उसके बाद हम सिंपली इसको फिनिश कर सकते हैं, तो एक नई चीज़ ये देखने को मिलती है आपको, ठीक है। जैसे ही अगर आप डैमेज लेते जाओगे तो आपका हेड बड़ा होता जाएगा, जैसे आपका पूरा हेल्थ जो है ख़त्म हो गया उसके बाद आप जो है उड़ने लग जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी पूरी हेल्थ चली जाएगी, उसके बाद आप जो है नीचे आ जाओगे रिस्पॉन होके। तो अगर यहाँ पे हम चलते हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर पहले यहाँ पे आपको एक रूम में बॉस देखने को मिलता था, लेकिन अब बॉस कोई नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ा रियूनियन किया गया ना फोर्थ एनिवर्सरी थीम पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉइन भी मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही एनमी को आप डैमेज देते हो तो उस बंदे का डैमेज भी दिखता है, कितना डैमेज दे रहे हो। एंड हेड पे करोगे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है एंड देख सकते हो ये बंदा उड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरे मैंने इसको पूरा है डैमेज दे दिया है। एंड देख सकते हो मैं डैमेज हो गया एंड अभी मैं उड़ने लग गया एंड आप देख सकते हो मेरे हाथ में, मैं नीचे भी नहीं जा सकता ना ही हील कर सकता, तो कोई कंट्रोल नहीं है, मैं बस फायर कर सकता, तो गाइस मैं हो ही जाऊँगा, देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप रिस्पॉन तो हो ही जाओगे नीचे आके, ठीक है, देख सकते हो रिस्पॉन हो जाते हो, जैसे मिरर वर्ल्ड में रैंडमली किसी लोकेशन पे इफेक्ट देते तो वैसे इसमें इफेक्ट देंगे।
एंड गाइस में मैं आपको बता दूं, आपको जो ये देखने को मिल जाता है रिकॉल टावर, तो मतलब कह सकते हो पूरा मिरर वर्ल्ड का फील उन्होंने दे दिया है। स्पाइडरमैन वेब भी है इसमें, ठीक है। तो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लेना उसको। तो क्या यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑरेंज मार्क में, आखिर ऑरेंज मार्क पे क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी जो कि मिलिट्री बिल्डिंग होती है, पूरी कैंपेन कह सकते हो पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन ट्रक्स देखने को मिल जाएंगे, एंड ये देख सकते हो दो बिल्डिंग्स या नॉर्मल सी जो भी आप बोलो इसको। एंड इधर आपको काफ़ी अच्छी लूट मिल जाएगी, दो बंदे अगर आप यहाँ पे आते हो तो काफ़ी अच्छी लूट आपको देखने को मिल जाएगी इन ट्रक्स में खासकर। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आप जा सकते हो इनसे, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी लूट है इधर, एंड देख ही सकते हो सेम ट्रक इसमें भी लूट आपको मिल जाएगी। एंड ये जो ऑरेंज मार्क हो गए जिन पे भी आपको ये बिल्डिंग देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे आपको जो है पीडीपी की ग्राफिटीज देखने को मिल जाएंगी, जो नीचे आपको डिजाइनर का नेम भी देखने को मिल जाएगा। एंड सेम दूसरे यहाँ पे देख सकते हो, इस पे भी देखने को मिल जाएगी आपको ग्राफिटी। एंड गए यहाँ पे ये जो बीच में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, रेडार, ये जो रेडार है काफ़ी हेल्पफुल आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दोगे, देन गाइस क्या होगा, यहाँ पे आपको जो मैप में कोई भी जो व्हीकल होगा ना वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने किया, अब यहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाऊँगा ना तो यहाँ पे मेरे को जो व्हीकल जो है रोड पे देखने को मिल जाएंगे, पूरा मार्क आ जाएगा व्हीकल पे कौन सा क्या व्हीकल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे जो है बग्गी का आपको देख सकते हो साइन आ चुका है, तो यहाँ पे बग्गी स्पॉन आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पे मार्क आया है, एंड जितने भी व्हीकल्स हो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल खड़ा हुआ है उधर बग्गी जो है, एंड यहाँ पे आप और भी जो है व्हीकल्स देख सकते हो आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे आप आगे जाते जाओगे। एंड के ये जो आपको देखने को मिलते हैं मिलिट्री कैंपेन्स, ये हर जगह थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। एक जगह पे सिर्फ आपको ये जो रेडार है वही देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे देख सकते हो तो बिल्डिंग क्लोज देखने को मिली थी यहाँ पे हमारे उधर साइड, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो इधर साइड, ठीक है, तो सी साइड, तो यहाँ पे आपको जो बिल्डिंग जो है ओपन देखने को मिलेगी, एंड पूरा अलग ही आपको जो देखने को मिल जाता है इधर लुक, जैसे कि देख सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारी सीक्रेट जो है स्टेशन बिल्डिंग के बारे में, जो कि आपको मैप में कहीं भी मिल सकती है। तो एक तो लोकेशन ये आपको देखने को मिल जाती है जो कि हमारे जॉर्जो पुल के साइड देखने को मिलती है, ठीक है। एंड एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी पोचिंगी के जो हाउसेज देखने को मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, नीचे जो हमारा फार्म के साइड नीचे हाउसेज होते हैं कंपाउंड वहाँ पे, तो ये आपको स्टेशन देखने को मिल जाता है, पूरी अलग ही बिल्डिंग इन्होंने क्रिएट कर दी है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी जो अमेजिंग लूट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे दो बंदे आओगे तो उनकी भी लूट हो जाएगी, काफ़ी अच्छी लूट देखने को मिल जाती है इधर, ठीक है। तो इवन 8x एंड लेवल 3 लूट आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लूट है इधर जो आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा पूरा स्टेशन जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड इवन इसमें आपको रूफटॉप भी देखने को मिल जाता है, एंड एक सीक्रेट डोर है, ठीक है, जो कि अभी ओपन तो नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा, मे बी जब एक और पैच आए बीटा का जब ओपन हो जाए, ठीक है। तो सीक्रेट रूम सीक्रेट ही रहेगा अभी तक तो, ठीक है, तो ये ब्लास्ट भी नहीं होता इजिली। तो गए ये जो मोड है ना इसमें आपको जो है नीचे जो है प्लेसेस पे शॉप भी देखने को मिल जाएगी, एंड इवन जो फ्लोरा शॉप होती है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलती है, बट वो लिमिटेड टाइम के लिए रहती है जो शॉप है, एंड ये आप न्यू शील्ड देख सकते हो जिसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है, फाइनली ये मोड में। तो गए दोनों आपको फ्लाइंग पीओआई देखने को मिलेंगे, वो डिसअपीयर हो जाएंगे, उसके बाद कुछ टाइम तक आपको देखने को मिल जाती है शॉप, उसके कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। एंड गए शॉप में यहाँ पे आपको जो है एक एयर ड्रॉप गियर भी देखने को मिल जाता है एंड शील्ड भी। तो गाइस अभी चलते हैं हमारे यहाँ पे फ्रॉस्ट फेस्टिवल, जो हमारा पीओआई है हवा में जो आपको देखने को मिलता है, तो सेम आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आपको मजा रिकॉल टावर अब जो एक्टिवेट होने का भी अब टाइमर आप देख सकते हो मैप में, एंड ये भी दोनों जो पीओआई हैं कुछ ही टाइम के लिए आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आउटफिट मिल जाती है बाय डिफॉल्ट, एंड गन भी मिल जाती है इवन। तो ये जो हमारे आए हैं एंशिएंट टेंपल फ्रोजन मोड जो भी आप बोलो इसको, तो ये आपको फोर्थ एनिवर्सरी थीम पे ही आए हैं, एंड ये कॉइन आपको मिल जाएंगे इधर से, तो वही सेम आपको देखने को मिल जाता है इसका थीम जो है। तो गाइस ओवरऑल यहाँ पे आपको ठीक ठाक लूट देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप टाइमर भी देख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए रहता है ये जो हमारा पूरा रहता है पीओआई हवा में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वही सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप इफेक्ट देख सकते हो, जब आप कोई कोई एनिमी आपको जो शूट करेगा, आप एनिमी को शूट करोगे
जैसे कि देख सकते हो आपको जो देखने को मिल जाएगा, जैसा उसके पास यहाँ पे हेड है या आउटफिट है तो उसी के यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जब वो भी देखने को मिलेगा तो वही आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाती है। इस आइलैंड में कुछ ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं, बट ये फ्लाइंग पीओआई कर दिया गया है, ठीक है, तो ज़्यादा दिखाने का मतलब नहीं है इसका। तो ये देख सकते हो आपको देखने को मिल जाता है स्टैचू, जो कि हमारा यहाँ पे एक स्नोबॉल थी उसका, एंड टेम्पोलिन भी मिल जाएंगे। यानी शॉप से आप जो नीचे जाके जो ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा आपका। तो जैसे यहाँ पे टाइमर ख़त्म हो जाता है तो हम नीचे आई जाते हैं, जैसे हम मिरर वर्ल्ड में आते थे। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज तक लाइक करके आना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।